there is a storm over Congress leader Sukhjinder Singh Randhawa's remarks. Randhawa has made a call to finish off Prime Minister Modi to save the country. He said, and I quote, "Wasn't Pulwama done to fight elections?" Now, the BJP has hit out at Congress's Randhawa for the finish Modi first remark and the Pulwama remark as well. छह महीने में इलेक्शन स्टार्ट करके खत्म कर दिया बादल परिवार को और सदा के लिए अकाली दल ही हमने खत्म कर दिया यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते खा गया हिंदुस्तान को हम कहते हैं कि हम देशभक्तों की पार्टी है देशभक्ति हम लेकर आएंगे और तभी देश बचेगा डर निकाल दो हम तो कभी पाकिस्तान से डरे नहीं उनको डराते हैं तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे अरे भाई अब पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया अपनी लड़ाई खत्म करो मोदी को खत्म करने की बात करो अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा 9 साल के अंदर मोदी जी ने जैसे काम किया है जो परिवर्तन लाया है इसलिए कांग्रेस का घबराहट बढ़ गया है उसका पास अभी कोई शक्ति नहीं रहा उसका पास ना नीति है ना नेता है कुछ नहीं रहा इसलिए कांग्रेस बोलने से नहीं होगा उनको 7 साल मिला था देश को निर्माण करने के लिए नहीं कर पाया मोदी अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और उनके प्रभाव दुनिया में दिनों दिन बढ़ रहा है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को खत्म करने की बात कर रहे हैं लगातार गालियां देते हैं कब्र खोदने की बात करते हैं देश के अंदर रहकर इस तरह की खुली फ्री स्पीच हो रही है और देश के खिलाफ इनके बार बार बयान हो रहे हैं ये देश को बदनाम कर रहे हैं बाहर बार बार सेना के ऊपर प्रश्न उठाते हैं उनकी बहादुरी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं अभी राजस्थान में बात कर रहे थे जहां खत्म करने की बात कर रहे थे वहां यह भी बात कर रहे थे कि बीजेपी शहादत नहीं समझती कांग्रेस शहादत को बिल्कुल समझती नहीं है ये कांग्रेस के नेता हैं जो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर उठाएंगे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाएंगे भारत की सेना पर उठाएंगे और अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से वीरांगनाओं का अपमान हो रहा है राजस्थान के अंदर ये इनकी असलियत है कांग्रेस पार्टी की जो बाहर अब निकल कर आ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है पूरे देश को अपमानित किया है ये शायद आपके देश के आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कोई करता है तो देश की सीमा के भीतर और सीमा के बाहर काम करने वाला वो तमाम सैनिक काम करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं ये कांग्रेस की उस चरित्र का चित्रण करता है जिसमें लगातार देश के खिलाफ सेना के खिलाफ शहादत के खिलाफ आपकी लगातार बयानबाजी इस बात को साबित करती है बोलते हुए शब्दों की मर्यादा कांग्रेस भूल चुकी है सुखी रंधावा जी राजस्थान के अंदर जाकर देश के ओजस्वी तेजस्वी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के मस्तक को ऊंचा किया जिन्होंने हिंदुस्तान को ताकतवर बनाया ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं ये शर्मनाक है ये दुर्भाग्यपूर्ण है मैं सुखी रंधावा जी को कहना चाहता हूं कांग्रेस को देशभक्ति की बातें करने का लोकतंत्र की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भी लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान नहीं किया देखिए ये जो बोल रहे हैं इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है बात है पूरे देश की जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है किसान मजदूर महिलाएं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है 10 करोड़ के आसपास महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मुफ्त में मिले हैं 16 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 6,000 रुपये साल में मिल रहा है तो ये जो सुविधाएं मोदी जी द्वारा दी जा रही हैं इन सुविधाओं को लेकर के जनता जो है पूरी तरीके से मोदी जी के साथ खड़ी है और मोदी जी के साथ खड़ी इसलिए भाजपा के साथ खड़ी है चूँकि ये सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं ये
इसलिए गलत उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं, उल्टे सीधे ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं। Now with that, we're heading into a very short break, but do stay.